तो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर ये कहानी सुनकर आपके अंदर थोड़ा सा भी जोश ना आए तो डिसलाइक का बटन दिल खोल कर मारना, और यदि आपको ये कहानी सुनकर थोड़ा सा भी जोश मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में हरीश नाम का एक लड़का रहता था। उसको दौड़ने का बहुत ही शौक था, वह कई मैराथन में हिस्सा भी ले चुका था, परंतु वो किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन की बात है, उसने ठान ही लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वह इस बार रेस को पूरा जरूर करके रहेगा। उसके बाद उसने फिर से किसी दूसरे रेस में भाग लिया। कुछ दिनों के बाद रेस शुरू हुआ, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे करके सारे धावक हरीश से आगे निकल रहे थे। मगर हरीश अब थक चुका था, वो वहीं पर रुक गया। फिर उसने अपने आप से एक प्रश्न किया कि मैं अगर दौड़ नहीं सकता तो क्या होगा, कम से कम चल तो सकता हूँ ना। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा। माना कि स्पीड थोड़ी कम थी मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वह पूरी तरह से थक गया, वह वहीं नीचे जमीन पर गिर गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक बार फिर से अपने आप से प्रश्न किया कि चाहे आज कुछ भी हो जाए पर वह रेस को पूरा जरूर करके रहेगा। वह जिद करके लड़खड़ाते हुए फिर से वापस उठा और आगे बढ़ने लगा, और अंत में आखिर उसने रेस को पूरा कर ही दिया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर था, क्योंकि वह आज से पहले कभी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों के मांसपेशियों में बहुत ही खिंचाव हो चुका था, जिसके कारण उसके पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वह आज हार कर भी जीत गया था। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हम भी तो इसी प्रकार की गलतियाँ करते हैं। हमारे लाइफ में भी अगर कोई परेशानी आती है तो हम उस परेशानी को हल करने के बजाय उस काम को ही छोड़ देते हैं। सपोज आप एक स्टूडेंट हो और आप रोजाना 10 घंटे की स्टडी करते हो, और किसी दिन कोई परेशानी आने की वजह से आपको 5 घंटे ही टाइम मिल पाते हैं पढ़ने के लिए, पर आप नहीं पढ़ते हो क्योंकि आप सोचते हो कि यार टाइम नहीं मिला, आज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। चाहे आपको 5 घंटे ही टाइम मिले, चाहे आपको 4 घंटे ही टाइम मिले, पर आपको पढ़ना जरूर है। कम से कम आपको टाइम तो मिल तो रहा है ना। क्या होगा 10 घंटे नहीं मिला तो 5 घंटे ही टाइम पर मिला कि नहीं। चाहे आपको 5 घंटे ही टाइम मिले पर आपको पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, पर कभी रुकने का नहीं। सफलता का नियम यही है। चलता हूँ दोस्त, अगर तुमको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, और मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए स्टोरी के साथ, किसी नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।